लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और ये जो थर्मामीटर लेकर के आज जो हम घूम रहे हैं आजकल, इस सफ़र में आज हम पहुंच चुके हैं रोहतक। ये रोहतक शहर है और आपको पता है कि रोहतक की चौधर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा के पास मानी जाती है, मानी जाती रही है अब तक। अब इस चुनाव में वो तो हर 5 साल पे सर बदलता रहता है, पब्लिक टिकट दे वोट दे करके तय करती रहती है कि चौधर किसकी है, किसकी गई, कौन नया कौन पुराना। हालांकि जब मोदी लहर थी 2014 में, तब भी जब पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ मोदी मोदी हो रहा था, तब भी रोहतक संसदीय क्षेत्र की लाज रखी थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा के लाडले यानी दीपेंद्र हुडा ने। हरियाणा में ये एकमात्र सीट थी जहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में। अब एक बार फिर वो चाय वाला चौकीदार हो गया है और भूपेंद्र सिंह हुडा की सल्तनत वापस आती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है पता नहीं, लेकिन एक तरफ चौकीदार है यानी कि नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मोदी और राहुल गांधी के इतर और भी कई सारी पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों में जो गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। ये हम थर्मामीटर लेकर घूम रहे हैं सर, हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं, और ये थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर है कि कई सारे नेताओं का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर देता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ नेताओं को कि ये वाला शो जब देखिए तो ब्लड प्रेशर की गोली और एक गिलास पानी साथ रखिए और तब देखिए। ये जो पब्लिक है इनकी बदौलत सरकार बनती है और सरकार गिर जाती है। अब जरा देखते हैं कि रोहतक का मूड क्या है, इसीलिए नाम तो रखा है पब्लिक थर्मामीटर और नीचे लिख दिया है मूड ऑफ हरियाणा। जरा देखें रोहतक का मूड क्या है। चलिए, ये जरा हम रोहतक शहर में हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चौराहा है। सुरेंद्र हमारे साथ हैं, इधर आ जाइए, संजय आप भी आ जाइए। ये मानसरोवर पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जब मुख्यमंत्री थे तो विपक्षी आरोप लगाते थे कि हुडा साहब तो रोहतक के मुख्यमंत्री हैं, वो दिखता है क्या यहाँ पर? देखिए सर, 5 साल से पहले की अगर बात करें तो उससे पिताजी मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे काम भी हुए हैं धरातल पर, वो घूमते भी थे। उसके बावजूद जैसे ही बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई उसके बाद तो वो कभी कभी मतलब यहाँ पर दिखाई दिए। और अब जो है जैसे ही चुनाव का माहौल आ गया और 2019 के लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं तो वो गांव-गांव में घूम रहे हैं, क्योंकि अब लगता है ये जो पार्क वार्क जो बना है ये कब बना? ये पार्क इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बना था, लेकिन उससे काम भी अच्छे हुए हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए बीजेपी, जैसे ही 2014 में बीजेपी की सत्ता आई यहाँ पर, उसके बाद काफी सारा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा और काफी जो है विकास के कार्य भी यहाँ पर हुए। इसका जो पार्क का सौंदर्यकरण जो हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ है। और जो अब ये जो टाइले और जो नए गेट्स जो ये लगाए जा रहे हैं, इसका सौंदर्यकरण अच्छी तरह जो हुआ है वो बीजेपी के राज में हुआ है। ये कहें कि 2019 के चुनाव को देखते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब घर से बाहर निकले हैं, पूरी तरह जो है अब उन्होंने कमाल संभाल ली है, गांव-गांव जाकर हर जनता तक पहुंचकर अब वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जनता नगर निगम चुनाव हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुडा के भी अनऑफिशियल कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए थे, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसको क्या हम उस तरीके से देख सकते हैं उसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर? बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव जो है वो उससे पहले नगर निगम का चुनाव हुआ और उसके बाद उपचुनाव जींद का भी हुआ, दोनों में कास्टिज्म जो है जातिगत आधार पर चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है जाट और नॉन जाट की जो रणनीति यहाँ पर रही
वो चाहे किसी भी पार्टी की हो वो सक्सेस रही, उसके बावजूद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक बार कैंडिडेट खड़ा कर दिया उन्होंने, प्रचार नहीं कर पाए, कुछ लोगों का ये भी कहना कि प्रचार नहीं किया, तो भी वो कहीं ना कहीं पीछे रहे और इसीलिए उनको हार का सामना, उनके जो कैंडिडेट थे हालांकि उन्होंने बेशक से ही ऊपर से कैंडिडेट खड़ा किया हो, पीछे से उन्होंने सहायता की हो, ओपन नहीं आए हो, लेकिन उनके कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही जींद उपचुनाव की अगर बात करें हम, जींद उपचुनाव में भी ऐसी समस्या रही उनके साथ, उन्होंने भारी कैंडिडेट खड़ा किया लेकिन वही पार्टी का जो बिखराव है उसको लेकर जाट नॉन जाट कितना आपको लगता है बड़ा फैक्टर होगा, और ख़ास करके रोहतक में जब हम इस देखिए खूबसूरत पार्क में हम खड़े हैं, जो रोहतक में इंसिडेंट हुआ जाट आंदोलन के दरमियान, उसका चुनाव पर और लोगों के जहन में क्या है, अभी भी वो है, ताज़ा है, वोटिंग पर वो असर डालेगा? बिल्कुल, देखिए जब नगर निगम का चुनाव हुआ तब ये मुद्दे सामने उछल कर आए, नेता लोग हैं वो इनको मुद्दे बनाते हैं, विपक्षी पार्टियां जरूर बनाती हैं। 2016 के बाद जाट और नॉन जाट की जो लड़ाई हुई, जो आरक्षण का जो मामला हुआ उसको लेकर गैर जाट के अंदर जो है काफ़ी सारे भावनाएं ऐसी हो गई कि हरियाणा में काफ़ी साल से जो है जाटों का ही राज रहा है, तो उसको लेकर नॉन जाटों में ये हुआ कि हमारा क्यों नहीं। तो अब जिस तरह से नगर निगम का चुनाव हुए, एक तरफा जो है बीजेपी को भारी बहुमत से जो जीत मिली है उसको लगता है कि जिस तरह से ये राजनीति में बदलाव आ रहा है, लोगों को सत्ता का लोभ भी पता लग गया है और उसके कार्य भी जो है वो मतलब कुल मिलाकर है कि वो रहेगा, असर रहेगा। आप रोहतक से हैं सर? हाँ जी। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव है सर, आपको पता ही होगा, तो रोहतक में क्या मूड देखते हैं लोगों का? रोहतक में जी इस टाइम तो मूड तो मोदी का ही है जी। अच्छा, हाँ जी, क्यों मोदी क्यों आइए सर, मोदी क्यों? क्योंकि जनता उनके काम को पसंद कर रही है। अच्छा। 5 साल में उन्होंने कराया है उसको पसंद कर रही है, इसलिए जनता का मूड मोदी के ऊपर है। और जो रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर जो मानी जाती थी उसका क्या हुआ? अब उसकी चौधर जो है वो पहले वाली बात रही नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो फैलाया था ना दंगा, उसकी वजह से लोगों के मन में ये भावना पैदा हो गई है कि ये जो है ना जाटों के पक्ष में सारा है। अच्छा, जरा और भी कई लोग हैं, ये सर लोकसभा चुनाव है अभी, तो क्या लगता है क्या माहौल रहेगा, किसका पल रहा भारी, किसका हल्का? अभी तो जनाब जो है ना, मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिसने अच्छा काम कर रखा है ना करे, और किसी का खराब नहीं जाया करता और ना जाना चाहिए। जात पात कौन क्या क्या वो उस बात में मैं विश्वास रकम रखता हूँ। अब जिसने जो जात पात में तो रखना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जात पात का तो मेरा रोल ही नहीं है। अब जिसने काम कर रखा है ना जी, चाहे वो कोई भी है, तो बताइए ना, खुल के बताइए, इतना दब के बता रहे हैं आप। नहीं, दबना नहीं है, दबना क्या करा, और तो किसी खराब गया ही नहीं, आप समझो ना। करा और जिन्हें भी कर रखा है वो साफ नजर आता है। आप नाम नहीं लेंगे, मैं किसी और आदमी का नाम समझ गया कि शायद बंसी लाल ने कर दिया हो, भजन लाल ने कर दिया हो। नहीं, पर वो मैं हो सकता है मुझे लगे कि ओम प्रकाश चौटाला ने कर दिया हो। किसके बारे में कह रहे हैं आप? जिसने भी अच्छा करके दिखाया पब्लिक के लिए, मतलब मनोहर लाल खट्टर साहब, जिसने भी, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप नहीं लेना चाहते मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। अच्छा, एक ही नाम मैंने बीच में नहीं लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने भी जो है ना कराया है। हुड्डा साहब का क्या रहेगा? उन्होंने मतलब जैसे करके दिखाया है थोड़ा बहुत से, तो इतना मतलब इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? तो बोलिए ना खुल करके। संकोच नहीं है प्रभु, रोहतक तो बनाई दिया कम से कम, रोहतक तो बनाई दिया है, तो हिम्मत भी मुझे आपको देनी पड़ रही है। रोहतक तो बनाई दिया प्रभु, जैसे रोहतक बनाई दिया तो फिर मतलब देखो कम से कम हमारे लिए तो जो है हमारा तो जीवन जो है ना उसमें सही जगह। आप नहीं बोल रहे, मैडम बोलेंगी। ये अभी लोकसभा चुनाव है ना, तो कुल मिला के मूड मिजाज क्या देखती हैं रोहतक? रोहतक की कांग्रेस बनेगी, मोदी सरकार बोलती है करती कुछ है, बोलती कुछ है, लोगों को बहका रही है मोदी सरकार, बस। अच्छा, तो कांग्रेस ही बनेगी? हाँ, कांग्रेस ही बनेगी। अच्छा, हाँ, मतलब क्या बहकाया मोदी ने? मोदी ने कुछ कराया ही नहीं, बात बात हम बका रहे लोगों ने। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं कराया। अच्छा, आपकी उम्र होगी ये वोट देने की? पहली बार देंगे, दूसरी बार? नहीं, तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार। मैं भी तो कब से दे रहे हैं, जब क्लास 5 में पढ़ते थे तब से? नहीं, तब तो मैं 12th पास की थी, 18 साल। अच्छा,
मैं मोदी सरकार को वोट दूंगा, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने किया है यूथ के लिए, एक तो उसने नौकरियों में जो भ्रष्टाचार है वो कम किया, क्योंकि मेरी बीजेपी सरकार में मेरे को तीसरी जॉब मिल गई बिना किसी पैसे के, तो मैं मोदी को दूंगा, मोदी पूरी वोट दूंगा। और अपने दोस्तों को भी बोलूँगा कि मोदी को सपोर्ट करें, क्योंकि उनका भविष्य है, अगर उनको बनाना है तो मोदी को सपोर्ट करें, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार खत्म कराया है और उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है मैडम? भाई मोदी सरकार है वो अच्छी, बढ़िया बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार, जो भी अच्छा कर रही है, देखो कौन सी पार्टी बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। अच्छा, मोदी सरकार? हाँ, मोदी जी आएंगे, मोदी जी बनेंगे, मोदी जी आएंगे। कौन क्यों आएंगे? मतलब बहुत अच्छे, राहुल गांधी से क्या दुश्मनी है आपकी? कौन सी भैंस खोल ली आपकी? ऐसा भैया बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी ने, कितने काम कर दिए बताओ, बहुत काम कर दिए ना। फिर अब चोरा बाजारी खत्म होगी, पुलिस वाले पहले मांगते थे 1000 दे, 2000 दे, 5000 दे, अब कोई मांगता ही नहीं पैसे। अच्छा, हाँ, और मेडिकल ओनली मोदी, मोदी ओनली मोदी, यूथ जो है वो मोदी मोदी है। यस, बेस्ट चॉइस जी। नहीं जी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, जितने भी वादे किए हैं जनता से एक भी पूरा नहीं किया, ये सिर्फ झूठी झूठ के ऊपर सरकार जो है चल रही है, इन्होंने बिल्कुल देश के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया आज तक जो तरक्की हुई है वो कांग्रेस के टाइम में हुई है, और आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी जो ना वो भारी बहुमत से जीत के आएंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ये तो भाई साहब बगल में खड़े भी जो ना राहुल गांधी बनेंगे, मोदी ने बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया। मैं जो बता रहा हूँ, मैं आप बताइए, जो भी इन्होंने शुरू से जो वादा करके सरकार आई थी, इन्होंने शुरू में जो वादा किया था वो काला धन लाने का किया था। आप कोई भी बताए, एक भी पैसा अगर आज तक काले धन का देश के अंदर आया हो, इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए सभी लोगों के अकाउंट में डालेंगे, आज तक ना तो काला धन आया ना ही इन्होंने अकाउंट में किसी के एक भी पैसा डाला, ये सब झूठ थी। दूसरा, इन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने देश में कहा हम काला धन जो ना बाहर करेंगे, निकालेंगे, एक भी पैसा काला धन का बाहर नहीं आया। लोगों को कितने दिन तक जो ना सहना पड़ा, कितनी तकलीफ रात दिन हुई, कितने लोग मारे गए, ये सुन कितना देश को नुकसान हुआ। सुन रहा हूँ सारी वही बात है ना, चीजें दिख तो रही हैं बट जान के देखी नहीं जा रही। अच्छा, ये तो चश्मा भी नहीं पहनते ना, ना दिखती हैं साहब, अभी वोट में पता लग जाएगा 19 में, अगले अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में पता लग जाएगा कौन क्या है। अक्टूबर नहीं, मैं तो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में पता लग जाएगा साहब, आप भी यहीं पर, हम भी यहीं पर हैं। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई काम तो हुआ नहीं, काला धन आया नहीं, क्यों नहीं आया? नीरव मोदी पकड़ लिया इन्होंने, बताओ कि पीएनबी घोटाले का रुपए इतना बड़ा था, करोड़ों रुपए का घोटाला करके बाहर भाग गया था, मोदी साहब ने पकड़ा नहीं उनको वहाँ पर। ऐसे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तो उसका क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये कई सारे लोग हैं सर, ये जरा हम आजकल एक थर्मामीटर रहता है मेरे पास, तो वो थर्मामीटर लगा कर चेक कर रहे हैं कि कहाँ किस पार्टी के लिए कितनी गर्मी है, चौकीदार साहब के लिए कितनी गर्मी है, राहुल जी के लिए, केजरीवाल जी के लिए, ममता बनर्जी, आजकल तो बतेरे लोग हैं आजकल मैदान में। अब आपके रोहतक में जब आप वोट देने जाएंगे, ये चौकीदार का जुमला जब से सुना है ना, मैं व्यक्तिगत तौर पे इतना आहत हूँ, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और जितना नोटबंदी से इस देश को नुकसान हुआ है, आने वाली सैकड़ों पीढ़ियाँ, मैं आपको एक एक गिन के बता सकता हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और यदि कोई भी बात झूठ निकले तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके रोहतक क्या हिंदुस्तान की जनता जो करना चाहे मेरे साथ कर सकती है। 16 लाख करोड़ टोटल करेंसी, 14 लाख करोड़ 5 और 10 के नोट, 99.3 वापस आ गए, कुछ पड़े हैं नेपाल में, पाकिस्तान में, मलेशिया वगैरह में पड़े हैं, तो 100% नोट वापस आ गया। और उसका अंजाम क्या हुआ वो आपने देखा है, कितने लोग मरे। अगर आप देश की 20% जनता को एटीएम की लाइन में लगा दो, आप इंसान हो क्या? अगर कोई और देश होता तो यहाँ तक वेनेजुएला में एक दिन नोटबंदी हुई और दूसरे दिन सरकार मजबूर हो गई, नोटबंदी को वापस लिया। नोटबंदी ने जितना नुकसान किया है, जितना बेरोजगारी की है, आने वाली 100 पीढ़ियाँ, मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, PhD करा हुआ हूँ और बहुत से रिसर्च आर्टिकल लिखा है, मेरे अंडर 30-40 बच्चे PhD कर चुके हैं,
मैं एक गारंटी से कह सकता हूं कि नोटबंदी का नुकसान का कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि मोदी एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए ऑल्टरनेटिव अपने आप निकल आते हैं, जैसे मतलब जैसे अभी तो हम अभी इंदिरा गांधी मरी ना, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जेडी सेठी, उन्होंने क्या कहा, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज डेड एंड देयर इज नो होप ऑफ रिवाइवल फॉर इट इन योर फ्यूचर। क्यों नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम जिंदा है। जैसे मान लीजिए आज 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 इस जमहूरियत में बहुत सारे हैं, एक नरेंद्र मोदी है, एक राहुल गांधी है, एक थर्ड फ्रंट के नाम पे मान लीजिए। लोग कहते हैं राहुल गांधी पप्पू है, अरे दो बार वो सांसद रह चुका है, उसका भाषण सुन लो आज के दिन। ठीक है, शुरू में भाषण देना किसको आता है, किसी को नहीं आता। हम भी ऐसे ही बहुत कम बोला करते थे, लेकिन आज के दिन हम भी अच्छे ओरेटर्स में से माने जाते हैं, चाहे हम कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन ये कहना कि उसको आता कुछ नहीं है, ये पप्पू है, और ये बातें दकियानूसी बातें हैं। क्या दो बार जो एमपी रहा वो कुछ नहीं सीखा होगा, उसको पॉलिटिक्स मतलब का पता नहीं है? मतलब आपके अनुसार मोदी से बेहतर राहुल गांधी है? हो सकते हैं जी। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, एक चांस देना चाहिए। हाँ, इंदिरा गांधी जब मरी तो मैंने आपको बताया ना, लोग कहते थे पॉलिटिकल सिस्टम इज डेड। अरे ये जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्यों नहीं, लोग आगे क्यों नहीं आएंगे ये कहना। अभी अभी तो है ना, एक राहुल गांधी भी तो है ना, एक राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी मतलब है, आपके मुताबिक है कि राहुल गांधी को एक मौका देकर देखना चाहिए। देखना चाहिए, और वो अच्छे एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं, और मेरे को श्योरिटी है व्हेन ही स्पीक्स टू द फैक्ट, वो कभी ऐसा जुमलाबाजी नहीं देता। ठीक है, उसको अभी बहुत अच्छी तरह बोलना नहीं आता ना सिर्फ, और क्या कमी रह गई है? क्या कांग्रेस के अंदर स्टॉलवर्ट्स नहीं है, पिछले उनको तजर्बे नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम से पैदा नहीं हुआ, एक राजनीतिक परिवार में से नहीं आया? क्या इनके परिवार ने, मैं कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल नहीं हूँ, रोहतक की हालत देख लीजिए, जितने रोहतक आज रोहतक चलने के काबिल ना होता अगर ये जितने बाईपास ये किसने दिए, पिछली सरकारों ने दिए। आज के दिन तो सिर्फ उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, ये पार्क जिसमें आप खड़े हो ना भाई साहब, ये इस पे मेरे सामने सामने 5 करोड़ रुपया लग चुका है कांग्रेस के राज में। मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ जी जी, मैं समझ गया, एक एकदम 100% और इस कार्यक्रम का मकसद भी वही है। हाँ। इस कार्यक्रम का मकसद भी वही है, एक इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहेंगे सर, किस बारे में पूछना चाहेंगे आप? मैं लोकसभा चुनाव में क्या मूड मिजाज है, और रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से और दिल्ली तक क्या बेहतर रहेगा, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा है कि अब तो कोई भी पार्टी हुई अपने इंडिविजुअल पेट भरने पर लगी हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी रुचि नहीं ले रहा, और इस बात से बल्कि वोटर को घृणा होती जा रही है, अगर वो अपनी वोट का इस्तेमाल करूँ तो कहाँ करूँ, हर एक वोटर विचलित होया पड़ा है। और जितना इस बीजेपी के राज में झूठे स्टंटर हुए, फ्रिक्शनबाजी आई है ना, इतनी आज के इतिहास में कभी नहीं आई, और ना इतना स्टैंडर्ड लो हुआ, इतना डाउन कभी नहीं हुआ मॉरल, जितना अब जितने भी एमएलए एमपी मिनिस्टर या सांसद हैं जो आपस में एक दूसरे पे एक पेशाब फेंक कर दूसरा टट्टी फेंक है, ये क्या शिष्टाचार है, क्या ये करेंगे, यूँ तो बता दो मेरे को क्या करेंगे, ये नथिंग एल्स। कम से कम वोट तो देंगे, एक उसमें बटन है नोटा का। ऐसा है कि वो इससे अच्छा ये है कि भाई जो आदमी फाउल नहीं बोलता उसमें से सिलेक्शन करेंगे, भाई कम से कम ये अपने दायरे में तरह है उसको देंगे वोट, बाकी बेईमाना तो कोई भी पार्टी हुई हरेक ने अपनी जोड़ी जितना उनसे भरा गया उतना भरा है, लेकिन जितना लंबा टाइम आपके यहाँ से दीपेंद्र निकाला है, आपके यहाँ से दीपेंद्र दो बार रहे हैं, इस बार भी रहेंगे, दीपेंद्र को काम के लिहाज से, सराफत के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से, जबान कंट्रोल के हिसाब से उसको कोई हरा नहीं सकता। चलिए ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, दीपेंद्र ने जितना फाइलों को पकड़ के जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ ना, सिरे नहीं चढ़ा, तब तक फाइल नहीं छोड़ी, हमने देखा है संसद में उसको चलते हुए, हमारे से छोटा है, हमें नहीं पता ना, मैं आज तक उससे मिला, लेकिन जो उसने रोहतक को बना दिया एज ए एमपी, वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, चाहे कोई कुछ कहता रहे। जैसे साहब ने बताया कि शराफत, पढ़ाई, मेहनत और उसकी संजीदगी, सब कोई उसका मुकाबला नहीं है इंडिया में,
ही हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट एमपी, कोई छोटी बात नहीं होती है, बेस्ट एमपी बन जाना। दो लोगों को आप सुन रहे हैं, आपसे जी 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 कि मैं आज 74 साल का होने को जा रहा हूँ, हमने रोहतक की डेवलपमेंट कभी नहीं देखी इतनी, चाहे कोई भी पार्टी आई, मैंने पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो डेवलपमेंट भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में हुई है ना, वो कभी नहीं हुई। पानी की लगा लो, यही तो आरोप, यही आरोप लगता है कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो ऑपोजिशन और तमाम लोग ये कहते थे, कांग्रेस के भी लोग कहते थे कि हुड्डा साहब हरियाणा के नहीं रोहतक के मुख्यमंत्री हैं। रोहतक के नहीं ना, रोहतक को 60 साल किसी ने देखा नहीं। प्रताप सिंह कह रहे हो, जब जहाँ ज्वाइंट पंजाब होता था उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिर्फ मेडिकल कॉलेज और ये शुगर मिल, ये दो ही संस्था दी थी। उस दिन के बाद में बताओ रोहतक की तरफ कौन लिखाया है, कोई लिखाया था? कोई नहीं लिखाया। जब हम यहाँ स्टूडेंट लाइफ में 8वीं में पढ़ा करते उस टाइम से लगा कर और अब तक किसी सड़क पर निकल लो तो वी शेप की चप्पल भी सिर के ऊपर के पानी मारा करती शिविर का। अगर डेवलपमेंट की है तो भूपेंद्र हुड्डा ने की है, और 50-60 में मान लिया ये लोकदल बना, वो अपनी तरफ भजन लाल बना अपनी तरफ, पंशी लाल बना अपनी तरफ, तो भूपेंद्र ने क्या गुनाह कर दिया? अगर वो तक डेवलपमेंट कर दी और तो उसका प्रचार इतना कर दिया कि भाई वो उसके अपने बैकग्राउंड थे, सेंटर से पैसा बहुत मिला है उसने, उधर सोनिया से रसूख थे, उधर ये दीपेंद्र की अपनी जो ना लियाकत थी, और जब उन्होंने मनमर्जी से फ्रेंड उनको समझ करने जब यहाँ पैसा दिया, जब ये इतने रोड इतने फ्लाई ओवर बने, इतनी रोड 10-10 किलोमीटर चारों तरफ तक लाइट अल्टर 6 लेन बना दी, ये कोई मामूली बात है? ये सुन रहे हैं आप, दो लोग इतना मेरे पास दो लोग का सवाल नहीं, सवाल एक ही है, मैं चैलेंज करता हूँ अगर इतनी प्रोग्रेस पहले कोई हो या कोई आगे आगे हो जा तो बता दियो। ये आपने सुना, दो लोगों जिनका उम्र भी है, जिनकी जिनका तजुर्बा भी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं एक भाई को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि नीरव मोदी को पकड़ लिया गया, लेकिन भगाया किसने, ये भी सवाल होता है। कांग्रेस के टाइम में तो भागा नहीं, वो मान लिया कि कांग्रेस ने उसको लोन दिया, सब कुछ दिया, फ्रॉड किया, सब कुछ किया, लेकिन बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी, ये चौकीदार बोलते हैं अपने आप को, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि इनको भागने कैसे दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 बंदे भाग गए इनके राज में, जो बड़े बड़े करप्ट करके गए, ये वो क्यों गए, कैसे गए? और ये राफेल डील का जो मुद्दा है, आम आदमी बिल्कुल समझदार है, ये मोदी ने की जिसकी भी लगा लो आप, बीजेपी की जो भी लगा लो, अंबानी ने 10 दिन पहले कंपनी जिसने प्लास्टिक का कभी खिलौना तक नहीं बनाया हेलीकॉप्टर का, वो राफेल डील कैसे कर सकता है? HAL हमारी देश की जो सरकारी एजेंसी है उसके पास आना चाहिए था ये सब। तो ये हम युवा जो है, हमारे को रोजगार चाहिए, रोजगार की बात करें, राष्ट्रभक्ति की आड़ में अपनी नाकामियों को ना छुपाएं, बस मैं इतना इसका। तो कुल मिलाकर करके आपका फिर, जैसे ये थर्मामीटर है ना, तो मोदी का फिर डाउन है और कांग्रेस का अप है आपके अनुसार? मैं किसी पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी को मैं किसी को नहीं करता, लेकिन आप सही पूछो तो हम एज ए वोटर हम सब चीज़ों से उब चुके हैं इनसे। हमने कांग्रेस को भी देख लिया, ठीक है रोहतक के अंदर बहुत काम हुआ है, मैं उसकी वोच नहीं करूंगा। तो फिर क्या ऑल्टरनेट, आप कहीं वोट तो देंगे ना, एक ऑप्शन उसमें नोटा का भी है, नोटा दबाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अच्छा, नोटा दबाएंगे बिल्कुल, चूंकि अब तो या फिर कोई नई अल्टरनेट आना चाहिए जो ईमानदार हो, साफ। तो नया अल्टरनेट तो एक राजकुमार सैनी है, एक आम आदमी पार्टी है, एक JJP है थी, उन्होंने अपना स्कूलों में और हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा काम करके दिखाया, अगर यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली हम उनको मौका देंगे। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी अगर आए तो उसको मौका देना देंगे, ठीक है, ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। ये बहुत सारी महिलाएं हैं, सर मैं एक बार उनकी तरफ मुखातिब बोलूं, पहले ये लोकसभा चुनाव है तो आप लोग किसको वोट देना चाहेंगी? सर वोट तो ये है कि हम अपनी अपने देश का, अपने प्रांत का, सबका वो देखेंगे, लेकिन जो आज के हालात हैं हम देख रहे हैं, जो देश के अंदर चल रहा है, ये उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो उनको पकड़ के खींचते हैं, वो उनको खींचते हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता, जनता के बारे में, देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सभी अपने बारे में सोचते हैं। मैंने ये, अरे आप ये बताओ ना कि मैंने क्या किया और उसने क्या किया, वो ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा, राहुल ने वो किया, आप अपने बारे में बताइए ना, आपने 5 साल आप भी रहे हो, 10 साल वो भी रहे हैं, आप ये बताइए, अपनी कमियां गिनाइए, हमने क्या नहीं किया और हमने क्या किया है इसके अंदर, वो कोई नहीं बताता, ठीक है। और बेटियों के बारे में, औरतों के बारे में क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया ना, आज तक हुड्डा कोई कुछ कर पाया है ना, मोदी जी कुछ कर पाए हैं, बेटी बचाओ करते हैं, हर जगह बेटियों की असमत लूटती रहती है, किसी को आज तक सजा मिली है क्या? किसी असमत लूटने वाले को आज तक सजा मिली है? 10-10 साल तक घूमते रहते हैं सर, ऐसे धक्के खाते फिरते हैं, माँ बाप को शरमाने लगती है अपने आप पर कि भाई हम हर रोज बेटी की इज्जत को छुपाने के लिए, उसको फेंकने के लिए, सबको बताने के तो लिए फिर मोदी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, कोई नहीं सर, नोटा ही चाहते हैं, हम चाहते हैं राष्ट्रपति शासन हो पूरे देश के अंदर। अच्छा, नोटा चाहती है,
आप सभी साथ हैं सर, हमारी सभी की एक ही बात है, हम नोटा चाहते हैं। नोटा हमें कोई आज तक नोटा ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये एक जब हम रोहतक पहुंच रहे हैं तो कई सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो ना तो कांग्रेस से खुश हैं ना बीजेपी से खुश हैं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है। और ये महिलाएं आधी आबादी है, ये कह रही हैं कि एक ऑप्शन अब है, नोटा का ऑप्शन है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही चिंता का विषय शायद हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और उनके नुमाइंदों के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जी, जब भी इलेक्शन आते हैं ना जी, मतलब जो भी उम्मीदवार होता है वो नज़र आ जाते हैं। जब भी इलेक्शन ख़त्म होता है कोई भी उम्मीदवार जो जीत जाता है वो नज़र नहीं आता। तो दीपेंद्र यहाँ से दस साल है, यहाँ से कई 10 साल हो गए जीते हुए हैं, लेकिन हमारे जो है कॉलोनी का पानी है या सीवरेज की प्रॉब्लम है। कौन सी कॉलोनी है आपकी? ये कैस्टर मड़ा बल्ले बाजार के पास। हम कई सालों से पानी की दिक्कत झेल रहे हैं, ना सफाई का कोई प्रबंध होता है, ना पानी का कोई पीने का प्रबंध होता है। चाहे दुपिंदर जी हो या ग्रोवर जी हो, कोई भी हो ना, जीतने के बाद नज़र नहीं आते। हमारी ये प्रॉब्लम है, हमने उनको कई बार बोला भाई हमारी ये दिक्कत है सोल्व कर लो, लेकिन हाँ बोल जाते हैं फिर दोबारा नज़र नहीं आते। तो वोटिंग के दिन फिर आपकी उंगली ईवीएम पे कहाँ दबेगी? देखो जी, हम तो चाहते जी मोदी जीते, लेकिन जो मोदी के आगे काम करने वाले हैं ना वो मतलब ठीक ढंग से काम नहीं जीतते। ये ठीक है मोदी जी भ्रष्ट नहीं है, ठीक ईमानदार आदमी है, लेकिन आगे जो उनकी टीम है ना वो उनको मतलब आगे नहीं बढ़ने देती। देखो अभी तो हमने कोई फैसला नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब पोलिंग स्टेशन पहुंचते आप मोदी को ताकत देंगे? हम तो यही साथ देंगे, लेकिन आगे जो काम करने वाले ना वो काम दुखी मन से ही कमल के ही उस पर आप दबाएंगे। जी, मैं तो बस जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आता हूँ आपके पास। सर, ये लोकसभा चुनाव है ना, थर्मामीटर लगाऊं तो आपके थर्मामीटर में गर्मी कहाँ होगी? कांग्रेस की तरफ, मोदी के तरफ, राजकुमार सैनी के तरफ, केजरीवाल की तरफ, दुष्यंत की तरफ, अभय चौटाला की तरफ? सारे एक से है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे एक से है। तो आप जब वोट देने जाएंगे तो आपको ठीक है जो जैसा है, एक कहावत है कि यू हैव टू चूज अमंग देम, मतलब अगर सब खराब हैं तो इस खराब में जो सबसे बेहतर है उसको चुनना होगा, तो किसको चुनेंगे? कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी सरकार ठीक है, क्यों इन्होंने अभी 5 साल हुए हैं, वो उनको हो गए 60 साल काम, ये सत्ता में आए हुए हैं, तो कंपैरिजन वाइज तो ठीक है ये सरकार जो है ना बीजेपी ठीक है। करप्शन भी कम हो गया पहले से, और ऑनलाइन सिस्टम हो गया, घर बैठे काम हो जाते हैं सारे, ये प्लस। आप ये समझ रहे हैं ना, जब कोई आपके पास आते हैं तो कहते हैं ये सब के सब जी एक तरह के हैं, थर्मामीटर यहाँ लगाने के बाद हाथ दबा दीजिए, उसके बाद फिर दिल की आवाज़ सामने आती है और बीजेपी सरकार बेहतर हो जाती है। हाँ, बेटर है वो 60 साल 5 साल में जितना हो सकता था उन्होंने किया है। ठीक है, मतलब आपके थर्मामीटर पर, अगर जो आपको थर्मामीटर लगा रहा हूँ उस पर बीजेपी ऊपर है। बेटर है ना? हाँ, जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक। आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहूँगा कि एक ऐसा संविधान बनाना चाहिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री पद का ही काम करें, आप रैलियों में मतलब कि पूरा साल जाके भाषणबाजी ना करें, जब आप जाए कि उसके काम करें आप। चलिए, ये अलग अलग लोगों की राय है। और आपको ये, आपने ये देखा कि नोटा नोटा की बात होती है, हालांकि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं, एक अविश्वास की भावना तो है लोगों में, लेकिन जब ईवीएम मशीन के पास पोलिंग स्टेशन में जब पहुंचते हैं तो जैसे भाई साहब का थर्मामीटर लगाया, थोड़ा सा कड़े कर करके हाथ दबाया, इधर लूज़ हो रहा था तो ये बीजेपी का पारा जो है खट से ऊपर चढ़ गया। तो ये थर्मामीटर आप देखते रहिए, लगाना मेरा काम है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद जरा और भी कई सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत करके देखते हैं कि मूड मिजाज माहौल क्या है और थर्मामीटर पर किसकी रीडिंग ऊपर है, किसकी रीडिंग नीचे है। We'll be right back.
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम रोहतक में हैं और लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब ज़्यादा समय नहीं है, एक आध महीने का समय, सवा महीने का समय रह गया। और ये पब्लिक थर्मामीटर प्रोग्राम है मूड ऑफ हरियाणा, और ज़रा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरे देश में भाषणबाजी लगातार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही है कि किसको वोट मिलना चाहिए, तो ज़रा वो लोग हैं साथ में रोहतक में जिनको वोट देना है, और आम लोगों की वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है। मैडम, ये लोकसभा चुनाव है, आधी आबादी आपकी है, घर पे तो कंट्रोल करके रखती होंगी, ज़रा ये बताइए, ये मुस्कुरा देती है ना आप, तो पतिदेव भी आए हैं क्या साथ में, कहाँ हैं? अच्छा चलिए ठीक है, ढूंढ लेंगे, खोएंगे नहीं वो। तो इस बार चुनाव में किसको वोट देने का मन है और क्यों? बीजेपी को देने का मन है। क्यों? क्योंकि मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं इसलिए। अच्छा, एक आध काम कोई बता दीजिए, राहुल गांधी ने क्या बिगाड़ा आपका? राहुल गांधी गरीबों के लिए क्या किया ये बताओ, 70 साल नौकरी करके राज करके उन्होंने क्या बिगाड़ा, उन्होंने क्या किया हमारा, बताओ क्या किया राहुल गांधी ने? हाँ बताओ क्या राहुल गांधी ने, पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बताता हूँ। राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, मैं इस बात को मानता हूँ, और ये पार्टी हमेशा अपोजिशन में रहनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि इतनी मजबूत पार्टी है ये, एक भी धांधली नहीं होने दी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी ने एक भी ऐसा काम किया हो, एक भी भ्रष्टाचार का केस आप दिखा दो मोदी के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन में बहुत स्ट्रांग पार्टी थी। अच्छा। और मैं विनती करता हूँ कि ये पार्टी हमेशा अपोजिशन में रहनी चाहिए। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। आप किसको देंगे? बीजेपी को। अच्छा, आप भी बीजेपी? आप बीजेपी को ही देंगे सर। अच्छा, तो कारण क्या है? बीजेपी उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए जो किया है जब तो बीजेपी को देंगे। कोई अप्रोच नहीं, कोई डोनेशन नहीं, सिर्फ अपने कह रहे हैं, अपने बलबूते पे बच्चों को नौकरी मिलती है, मजबूती तो है ही ना, अभी बच्चों का विश्वास खो दिया उन्होंने। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी बीजेपी चौकीदार। यहाँ पे बीजेपी की कोई मीटिंग तो नहीं थी? ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी, उठा की थी ये तो, ये बच्चों के जो जमा में। अच्छा, बहुत संक्षेप में बोलिए। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर रहेगा, पूरे वर्ल्ड में ये पॉपुलर हो चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप अकेले हैं, बाकी तो सब चौकीदार ही है यहाँ पे, ये बेसिक चौकीदार हो, चौकीदार चोर रफाल के मामले में लोकपाल की जांच में जेल के अंदर सड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये हमारा वादा है, हम अन्ना के कार्यकर्ता है, खुद तो जमानत पर बाहर है, जो चोर बोल रहे हैं वो खुद तो जमानत पर बाहर है जी। ऐसा मोदी शेर है, मोदी जैसा नेता नहीं आएगा हिंदुस्तान में, पहला हिंदू राष्ट्रवादी नेता है हिंदुओं के पक्ष में। फादर फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें टोटल एनुअल इनकम लिखी जाती है पूरी फैमिली की, सिर्फ फादर फादर का, अगर फादर ना हो तब मदर का लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये लगेंगे। ये आपका वाला मसला अलग है, जरा 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 इधर। मोदी सरकार हमें बहुत अच्छी लगती है, हर गरीबों को, सभी को, बिना सिफारिश के और बिना पैसों को सबको नौकरी मिली हुई है। बीमा फ्री कर रखा है। हाँ जी, बीमा सब हर गरीबों को मिला है। कौन से नेता ने देश के लिए सोचा? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने देश के लिए सोचा। बोलते थे मोदी साहब हर घर में नौकरी है, लेकिन हर घर में नौकरी है, सभी जातियों को, सभी को नौकरी मिली है, गरीबों ने नौकरी भी तो मिल रही है। ये आप लोग सब रोहतक में रहने वाले हैं? हम इस्माइला 11-20 हैं जी। सब रोहतक आसपास है, पीछे देखता हूँ और भी मिल जाए। ये मैडम, अभी चुनाव होने वाला है, आप तो चुनाव के नाम पे ऐसे भाग रही हैं, चुनाव होने वाला है, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपको किसको लगता है वोट देना चाहिए? वोट पूछ रहे हैं, मैं किसको देना? नहीं, बोलने दो इनको। वोट तो हमारे घर है, देखेंगे, सोचेंगे। अरे दिल वाली बात बोल दीजिए। वोट तो बीजेपी को देना चाहिए, ऊपर मोदी है तो तभी फायदा है, मोदी कुछ देश को कुछ करेगा, और तो सब बेकार है। अच्छा, आपको क्या लगता है? पता नहीं, हमको तो नहीं लगता कि मोदी कुछ करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? अगर सतबीर हुड्डा बनेंगे तो वही करेंगे। अच्छा अच्छा जी, हम मोदी सरकार को चाहते हैं, हमेशा चाहते रहेंगे। अच्छा।
आपको क्या लगता है भाई? मजदूरी करते हैं, मजदूरी को दूर करो। तो कौन बेहतर, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, उनके पास मुंह है अपना। हाँ, कौन बेहतर है? जो है ना, भ्रष्टाचार ना होना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। तो कौन, अब तो वोट देने का आ गया ना, अब मैं पूछ रहा हूँ, मेरा काम करने दिए, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मुझे भी तो मजदूरी करने दीजिए। तो किसको वोट देंगे, बीजेपी को, कांग्रेस? समय बताऊंगा। अरे तो समय तो आ गया ना। ना वो तो वोट डाल अच्छा, मेरे 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 कान में बोल। नहीं नहीं, कान में नहीं, वो तो बाद में फिर लगेगा। मोदी को देंगे वोट? हाँ, मोदी देंगे। ये राहुल गांधी को देंगे? दीपेंद्र को? मोदी को देंगे। मोदी बड़ा मुस्कुराकर और शर्माकर बोल रहे हैं। नहीं यार, नहीं नहीं, शर्मा हाथ में डंडा भी है और फिर भी लाचारी है तो लेना पड़ेगा। जी जी, धनका है, मोदी की राय देगा? तेरा क्या कर दिया मोदी ने? कुछ भी ना जी, बीमा कार्ड बना दिया 5 लाख का सरकार ने, कुछ बना दिया, कुछ नहीं बनाया, कुछ बढ़ा दिया, रोला रोला है। वो चौकीदार होगा तो भी चौकीदार है। हर इंसान अपने घर का चौकीदार है, हर इंसान अपने घर का चौकीदार है, माँ बाप भी चौकीदार अपने बच्चों के। सब है। एक मिनट, चौकीदार चोर है, चौकीदार। अच्छा, आप ये कितने बार बोलेंगे? आप एक बार बोल चुके हैं ना, ये आपको माइक दे दूं, राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, तो जब एक बार बोल दिया आपने तो मन नहीं भरा आपका? बस ठीक है। तो ये देखिए जी, जो काम करने वाला है उसी को वोट दो, जो काम कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो काम वाले को वोट दो। आप हाँ बोलिए, जो काम करना चाहता है, जो काम करना सीख रहा है, सिर्फ उसी को वोट दो। कौन है, कौन कौन है? हुड्डा जी ने 5 साल हो गए काम करते हैं। हुड्डा जी हमारे फेवरेट हैं। हुड्डा जी को इस बार हर किसी को मौका मिलना चाहिए, जो काम करेगा मौका मिलना चाहिए हर किसी को। अभी काम लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। बहुत साहसिक प्रयत्न कर रहे हैं, इतने साहसिक प्रयत्न। ठीक है, अपने अपनी बात रखनी है सर, भाषण वाला ये कार्यक्रम नहीं है। जी जल्दी बताइए। ऐसा है, ये मुद्दे ही नहीं जानते। मुद्दा क्या? शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान के अनाज का भाव, महंगाई भत्ते जोड़ने से मुद्दा है, माँ बाप की कदर मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, अपराध मुद्दा है। ये 7 मुद्दे, सिर्फ 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन लड़ रहा है। बाकी तो सड़क बना दिया, विकास होगा, कमीशन खा लिया। किसको वोट देंगे? वोट तो ये दोनों चोर हैं। तो तीसरा कोई होगा या नोटा एक बटन है? शायद तीसरा जो ताकत उभरने लग रही है उसमें से जो बनेगा वो ठीक। कौन कौन? अभी मेजोरिटी आ जाएगी जब लीडर अपने आप हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी जेल लगी, मैं इमरजेंसी में जेल काटा मैंने, तो उसके बाद अपने आप देसाई बन गया, फिर सोई चरण सिंह बन गया। इस यहाँ पे जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो रोहतक से जाके वोट तो देंगे ना सर, वो हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। तो उस वक्त किसको वोट देंगे? ऐसा है, अब ये ही नहीं पता कैंडिडेट कौन होंगे, तभी फैसला किया जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा अच्छा कैंडिडेट आ जाए जो जिसके सामने बीजेपी और कांग्रेस के हड़के पड़ जाए। अभी जरा इंतजार कीजिए। चलिए, तो ये अलग अलग लोगों की राय है, और ये रोहतक में हम आपको लोगों का मूड दिखा रहे थे। ये सफ़र और ये दौर लगातार जारी रहेगा। ये तोप यहाँ पे पड़ा है इस पार्क में। सवाल ये है कि जब पोलिंग के दिन इधर से बटन दबेगा तो तोप के सामने कौन होगा, और 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो तोप के सामने किसके चिथड़े उड़ जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये पब्लिक थर्मामीटर है सर, महाभारत के संजय वाले रोल में हम हैं, आंखों देखा हाल आपको बताते हैं, थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। ये मूड ऑफ हरियाणा है। ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। कल फिर किसी एक पड़ाव पर आपसे मिल लेंगे, वहाँ का भी थर्मामीटर लगाकर आपको दिखा देंगे। आप तो बस नोट करते चलिए। और हर दिन मैं अंत में ये ज़रूर कहता हूँ कि ये थर्मामीटर ऐसा है कि नेताओं का बीपी बढ़ा देता है, इसलिए अगर कोई भी नेता ये कार्यक्रम देख रहे हो तो बीपी की एक गोली और ग्लास का एक ग्लास पानी ज़रूर साथ रखें। पता नहीं कब बीपी ऊपर हो जाए, कब नीचे हो जाए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।